हेलो एवरीवन, पाइथन प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम डिक्शनरीज इन पाइथन। डिक्शनरीज क्या होती हैं, उनको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या क्या मेथड डिक्शनरी पे अवेलेबल होते हैं, कैसे उनको यूज करना होता है, कैसे वैल्यू गेट करते हैं, कैसे वैल्यू सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में डिक्शनरी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। और डिक्शनरी से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट इस वीडियो में जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और डिक्शनरी के बारे में जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं, उसको समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिक्शनरीज के लिए एक जो है वो फाइल नई क्रिएट करी हुई है, जिसका कि मैंने नाम रखा डिक्शनरी डॉट पी बाई। और यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट डिक्शनरी से रिलेटेड जो है वो नोट कर रखे हैं। तो पहला पॉइंट जो है उसको देख लेते हैं कि पहला पॉइंट हमारा क्या है। पहला पॉइंट हमारा है कि डिक्शनरी आपकी जो है वो एक कलेक्शन टाइप होती है। कलेक्शन टाइप होती है बोले तो डिक्शनरी में आपके मल्टीपल आइटम होते हैं, जैसे हमारे लिस्ट में, सेट में या फिर टपल में मल्टीपल आइटम होते हैं, वो भी कलेक्शन टाइप हैं। वैसे ही डिक्शनरी भी हमारी एक कलेक्शन टाइप है। तो इसमें एक वेरिएबल में आपके मल्टीपल आइटम जो है वो रह सकते हैं। डिक्शनरी आपकी जो है वो अनऑर्डर्ड होती है, इसमें आपके आइटम का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आइटम किसी भी ऑर्डर में आए आप उसको जो है एक्सेस कर सकते हो, तो इसमें ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनऑर्डर्ड होता है। और ये आपकी चेंजेबल होती है, टपल की तरह नहीं है कि टपल एक बार डिफाइन कर दिया तो उसको जो है आप अपडेट नहीं कर सकते हो। डिक्शनरी में जो है आप चीज़ें अपडेट कर सकते हो, उनको चेंज कर सकते हो। डिक्शनरी आपकी इंडेक्स्ड होती है, ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है कि ये अनऑर्डर्ड होती है लेकिन अनइंडेक्स्ड नहीं होती है, ये इंडेक्स्ड होती है। और इसकी इंडेक्सिंग 0-1 के हिसाब से नहीं होती है, इसकी इंडेक्सिंग इसकी की के हिसाब से होती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम इसमें देखेंगे। और उसके बाद डिक्शनरी आपकी कर्ली ब्रेसेस से जो है वो डिफाइन होती है, कर्ली ब्रैकेट से आप उसको जो है वो डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज करते हो, और ये आपका कर्ली ब्रेसेस है। तो इससे जो है आप डिक्शनरी को इनिशियलाइज करते हो, उसको क्रिएट करते हो। और उसके बाद में डिक्शनरी जो है उसमें क्या होता है, आपका की होता है, और की जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू को रेफर करता है या उसको होल्ड करता है, जो भी आप समझ लो कि ये की जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू को रेफर करता है। तो जब अगर कोई वैल्यू है तो उसको एक रेफर करने के लिए की होगा, और की आपका जो है वो डुप्लीकेट नहीं होता है किसी भी डिक्शनरी में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका प्रैक्टिकल करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं एक। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए डिक्शनरी को आप एक नाम दे दोगे, ठीक है, उसका वेरिएबल नेम जो भी आप देना चाहते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे। जब कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तो आप इस पर जब होवर ओवर करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि डिक्शनरी टाइप का है, ठीक है। और अगर आपको इस तरह से अगर होवर ओवर पे आपके किसी एडिटर में नहीं मिलता है ये, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको पता है हम ये सीख चुके हैं कि प्रिंट फंक्शन के अंदर आप टाइप फंक्शन जो है वो पास कर दोगे, और टाइप फंक्शन में आप अपना वेरिएबल पास कर दोगे, जो भी वेरिएबल, कोई डिक्शनरी जरूरी नहीं है डिक्शनरी पास करो, जो भी वेरिएबल आप पास करोगे टाइप फंक्शन के अंदर, उस वेरिएबल का टाइप जो है वो आपको निकल के आएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। और इसको रन करवा के देख लेते हैं। रन करवाने के लिए आपको इंटरप्रेटर का नाम टाइप करना है और अपनी फाइल का कंप्लीट नाम विद एक्सटेंशन, ठीक है, इंटरप्रेटर का नेम और फाइल का कंप्लीट नेम विद एक्सटेंशन, उसके बाद में एंटर कर दोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका जो वेरिएबल है वो डिक्शनरी टाइप का है। तो यहाँ पे आपको विजुअल स्टूडियो कोड में दिख रहा है, अगर किसी भी एडिटर में नहीं दिखता है तो आप इस तरह से उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमने देख लिया कि कैसे हम इसका टाइप जो है वो गेट करते हैं, कि किस टाइप का हमारा वेरिएबल है। अब इसमें अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है, डिक्शनरी को, तो कैसे असाइन करोगे, एक आपका यहाँ पे होता है की, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रहेगा की, जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद में यहाँ पे रहता है आपका कॉलन, और उसके बाद में आपका रहता है वैल्यू, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी देना है तो आईडी आपका इंटीजर टाइप का रहेगा, तो वो जो आपका विदाउट कोट के जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये आपका एक आइटम होता है, ठीक है, ये की वैल्यू पेयर जो है वो एक आइटम होता है, और आइटम आपके जो है वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आइटम आपके कॉमा सेपरेटेड होते हैं। आइटम की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपके आइटम जो हैं ये कॉमा सेपरेटेड होते हैं, और ये की वैल्यू पेयर जो है वो कॉलन सेपरेटेड होते हैं, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो सिलेक्टेड पार्ट है वो पूरा आइटम है, और ये एक आइटम दूसरे आइटम से कॉमा सेपरेटेड रहेगा, और इस आइटम के अंदर आपका की वैल्यू पेयर जो है वो कॉलन से सेपरेटेड है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन अगर है तो उसको दूर कर लीजिए, कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये लगा दिया मैंने कॉमा यहाँ पे, और उसके बाद में मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर एक बार फिर से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये आइटम जो आपके हैं, एक आइटम ये हो गया, एक आइटम ये हो गया, और एक आइटम ये हो गया, ये आइटम आपके कॉमा सेपरेटेड हैं, और आइटम के अंदर आपका है की वैल्यू पेयर जो कि आपका कॉलन से सेपरेटेड है, ठीक है। अब अगर आपको डिक्शनरी प्रिंट करवानी है तो डिक्शनरी आप कैसे प्रिंट करवाओगे, आप डिक्शनरी को सीधा यहाँ पे पास कर दोगे तो डिक्शनरी आपकी जो है वो प्रिंट हो जाएगी, फुल डिक्शनरी जो भी उसमें वैल्यूज रहेंगी वो आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, तो आपकी कंप्लीट डिक्शनरी जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इंडिविजुअल आइटम आप कैसे एक्सेस करोगे।
तो इंडिविजुअल आइटम एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे इंडेक्स यूज करते हो, ठीक है। और इंडेक्स का मतलब क्या है यहाँ पे डिक्शनरी के केस में, इसका मतलब है की, इंडेक्स का मतलब यहाँ पे है की। तो जब आप यहाँ पे पास करोगे इंडेक्स या फिर की तो आपको क्या मिलेगा, उस की के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो आपके यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इसकी इंडेक्सिंग जो है वो 0-1 की तरह करोगे तो आपको की एरर मिलेगा। अगर आप बोलोगे यहाँ पे 0 पे, तो टेक्निकली 0 यहाँ पे होना चाहिए, 0, 1, 2, तो अगर आप इसको चलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, की एरर मिलेगा कि ये इस तरह से काम नहीं करता है, ये की नहीं है, ये प्रॉपर की नहीं है। की आप जो डिफाइन करते हो, तो इसमें इंडेक्सिंग आपकी जो है वो इसी तरह से होती है कि जो आपका की है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू एक्सेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंडेक्सिंग होती है लेकिन की के बेस पे, न कि 0-1 के बेस पे, जैसे लिस्ट में या फिर टपल में या फिर सेट में था, वैसा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ हमने वो डिस्कस करी थी कि इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे बीच में कहीं पेस्ट कर देता हूँ ऐसे यहाँ पे, और कॉमा लगा देता हूँ, और उसके बाद में मैं जो है वो इसको रन करवाता हूँ, तभी भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये अनऑर्डर्ड होता है, इसका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देख लो कि जैसे यहाँ पे आप जो है वो, अगर आप की को कोई नाम नहीं देते हो और उसके बाद में उसको वैल्यू देते हो, लेट से कि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना चाह रहा था बट मैंने यहाँ पे की को नहीं दिया कुछ भी, तो आपकी ये की जो है वो प्रॉपर की मानी जाएगी, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ये मतलब बैड प्रैक्टिस है, इसको फॉलो नहीं करना है, बट समझ लेते हैं इसको। तो इस तरह से ओके कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट करवाते हैं, तब आपको वो दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका की ब्लैंक आ रहा है और उसका वैल्यू आ रहा है, ये प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप, अगर आपका की रहता है और वैल्यू नहीं रहता है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि चलो ठीक है आपने की डिफाइन किया पर उसका वैल्यू नहीं है, तो इससे आपकी डिक्शनरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा और कॉमा सेपरेटेड सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में ये, तो आप अगर यहाँ पे की देते हो और उसके लिए वैल्यू नहीं देते, तो वैल्यू आप बाद में दे सकते हो, बट की को आपको ब्लैंक नहीं रखना है वैल्यू देके, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका की है तो उसकी वैल्यू को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, बट अगर आपका वैल्यू है तो उसका की जो है वो आप प्रॉपर डिफाइन कर दो पहले, उसको ब्लैंक मत छोड़ो, वो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आता। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपका डुप्लीकेसी वाला इशू, कि इसमें जो है वो आइटम डुप्लीकेट नहीं होते, तो मैं इसको ज़रा सा हटा देता हूँ यहाँ से और इसको मैं फिर से जो है इसकी जगह पे पहुँचा देता हूँ। टेस्ट करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, बट हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा जैसे हमने किया था। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको जो है डुप्लीकेट कर देता हूँ कई बार, ठीक है। इतना बहुत हो गया डुप्लीकेट समझने के लिए, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आपने कितनी बार इसको जो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आपका की जो है एम्प्लॉय आईडी के लिए वो एक ही बार रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे डुप्लीकेट है, ठीक है, बट रिफ्लेक्ट कर रहा है एक ही बार, और की आपका डुप्लीकेट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कर दोगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो अब ये सारे यूनिक की हैं, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है बट की डुप्लीकेट नहीं होता, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। वैल्यू आपका डुप्लीकेट हो सकता है, वैल्यू डुप्लीकेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये सारी डुप्लीकेट वैल्यू हैं, बट की आपका अब यूनिक हो गया है, तो की डुप्लीकेट नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि की जो है आपका वो डुप्लीकेट नहीं होता है, ये चीज़ आपने यहाँ पे देख ली है, ठीक है। इसको फिर से मैं एक बार प्रिंट करवा देता हूँ, मैंने की को सेम कर दिया है, तो अब आपका की एक ही बार प्रिंट होगा, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है इसको समझने के लिए इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 5 कर देते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं, यहाँ पे 7 कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं 8, ठीक है। तो अभी 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7 और 7, 8। अब देखो यहाँ पे मैं इसको फिर से प्रिंट करवाता हूँ, अब देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो वैल्यू, जो किस कौन सा वैल्यू मिल रहा है वो 7, 8 वाला, यानी कि जो सबसे बाद में है, ठीक है, जो लेटेस्ट वाला वैल्यू है वो आपको मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये की क्रिएट हो रही है, फिर ये इस वाली की से ओवरराइड हो जा रही है, फिर ये की क्रिएट हो रही है, ये वाली की से ओवरराइड हो जा रही है, फिर ये वाली की जो सबको ओवरराइड कर दे रही है फाइनली, और ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जा रही है। तो की आपकी सेम हो रही है, बट सेम की पे जो है आपकी वैल्यू अपडेट होती जा रही है। तो इनिशियली आपकी वैल्यू ये थी, फिर आपकी वैल्यू ये हो गई, फिर आपकी वैल्यू ये हो गई, फाइनली आपकी वैल्यू ये हो गई और यहाँ पे प्रिंट हो गई है। तो ये इसका बिहेवियर है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपकी की जो है वो डुप्लीकेट नहीं होती और वो लेटेस्ट वैल्यू को पिक करती है। ऐसे नहीं है कि आप मतलब अभी आपको यहीं पे एरर आ जाएगा, यहाँ पे एरर आपको आपने देखा एरर नहीं आया, उसने आपको बाकायदा यहाँ पे डिफाइन करने दिया, लिखने दिया, लेकिन इंटरनली उसका बिहेवियर क्या है
कि उसने लास्ट वाले को ही पिक किया है। तो इस तरह से डुप्लीकेट ये ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि डुप्लीकेट की के केस में ये लेटेस्ट वाला जो है आपका सबसे बाद वाला उसको उठाता है, सबसे पहले वाले को नहीं उठाता है, सबसे बाद वाले को उठाता है। अगर आप यहाँ पे एक और ऐड कर दोगे तो फिर वो आपका लेटेस्ट हो जाएगा और ये उसको उठाएगा। तो लेट्स से हम यहाँ पे ऐसा ऐड करते हैं और यहाँ पे इसको 8 और 9 कर देते हैं और फिर इसको रन करवाते हैं, तो अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें आपको यहाँ पे 9 दिखेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है डिक्शनरी के केस में। अब इसको हम जो है वो वापस ले आते हैं इनिशियल स्टेज पे और हम यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद में क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और इसको कर देते हैं एक बार फिर से रन, तो हमारी डिक्शनरी जो हो गई है वो प्रिंट हो गई है। तो हमने देख लिया कि डिक्शनरी कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको हम कंप्लीट प्रिंट करते हैं और कैसे हम इंडेक्स के थ्रू यहाँ पे की यूज करके जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ये भी हमने यहाँ में देख लिया है। अब इसमें देखते हैं कि आगे अगर हमको डिक्शनरी को लूप थ्रू करना है, ठीक है, सारी वैल्यू हमको प्रिंट करवानी है, तो वो हम कैसे करवाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो लूप के लिए हम क्या करेंगे, लूप के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप यूज करेंगे और फॉर लूप कैसे डिक्लेयर करते हैं, फॉर लूप डिक्लेयर करते हैं फॉर कीवर्ड से। फिर हमारा टेम्परेरी वेरिएबल आता है यहाँ पे, तो टेम्परेरी वेरिएबल लेट से मैं एक्स मान लेता हूँ, आप इसको कोई डिस्क्रिप्टिव नाम भी दे सकते हो, ठीक है, आप इसको जो भी मतलब आप डिक्शनरी बना रहे हो उस हिसाब से जो भी आपको वैल्यू मिलने वाली है वो नाम दे सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर आपका इन कीवर्ड आता है और उसके बाद में आता है आपका वेरिएबल, ठीक है, उसका वेरिएबल का नाम हमने रखा हुआ है ये, और उसके बाद में आपको कॉलन लगाना है और फिर आप यहाँ पे जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हो, ठीक है। तो जब प्रिंट स्टेटमेंट आप यहाँ पे डालोगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे लूप के लिए ही, तो यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ कमेंट करके, फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जब आप इसको प्रिंट करवाओगे, एक्स को प्रिंट करवाओगे, तो देखते हैं आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलता है। आपको यहाँ पे देखो क्या मिला है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको की मिलता है, यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलता है, की मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब आप लूप थ्रू कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको की मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आपको वैल्यू चाहिए है तो कैसे कर सकते हो, तो आप यहाँ पे एक मेथड कॉल कर सकते हो वैल्यूज़ का, जिसका कि नाम होता है वैल्यूज़। अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, की नहीं मिलेगा। तो अगर आपको की चाहिए है तो आपको ये वैल्यूज़ का मेथड कॉल नहीं करवाना है, तो आपको सिर्फ की मिलेगा, जैसा कि आपको ऊपर मिला था बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर आपको वैल्यू चाहिए है तो आपको जो है वो वैल्यूज़ का मेथड कॉल करवाना है, तो आपको वैल्यू मिलेगा, सिर्फ की नहीं मिलेगा। अगर आपको दोनों चाहिए है तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका देखो, उसके भी मल्टीपल तरीके हैं, पर पहले हम ये वाला देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया कि हमें की यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और वैल्यू हम कैसे गेट करते हैं, वैल्यू हम गेट करते हैं इंडेक्स के थ्रू, ये हमने देखा था अभी, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे रखा था। वैल्यू गेट करते हैं इंडेक्स के थ्रू, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे इसको जो है वो पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पर आपकी की जो है स्टैटिक है, आपको हमेशा एम्प्लॉय आईडी ही मिलेगा, बट हमारी जो की है वो एक्स में डायनामिकली आ रही है और प्रिंट हो रही है, तो हम एक्स को यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये चीज़ हो रही है। और अब जब रन करवाएंगे तो हमें यहाँ पर की भी मिलेगा और वैल्यू भी मिलेगा। तो ये ऐप का तरीका हो गया की और वैल्यू को दोनों को गेट करने का, ठीक है। और एक तरीका आपका और होता है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन होता है आइटम्स का, अगर आप वो कॉल करवा दोगे, तो हमने डिस्कस किया था ना कि ये एक आइटम होता है और इसमें की वैल्यू पेयर होता है, तो ये आइटम आपको की वैल्यू पेयर लेके आएगा। तो की वैल्यू पेयर होल्ड करने के लिए आपको क्या है कि दो वैल्यू चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, जो कि आपका एक की होगा और एक वैल्यू होगा, ठीक है। तो की वैल्यू होल्ड करने के लिए आपको एक तो की का वेरिएबल चाहिए, एक वैल्यू का वेरिएबल चाहिए। और अब आप यहाँ पे जो है वो सीधा पास कर सकते हो बाय, तो आपको क्या मिलेगा, एक वेरिएबल में आपको की मिलेगा और एक में आपको मिलेगा वैल्यू। तो अब समझ लो कि आइटम्स जो है वो आपको पूरा का पूरा आइटम ला के देगा, उसमें से आप की वैल्यू यहाँ पे निकाल ले रहे हो और उसके बाद उनको प्रिंट करवा ले रहे हो। तो इसको जो है मैं रन करवा देता हूँ और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर हमें एरर मिला है, अगर एरर मिला है तो हमको उसको देखना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। और आइटम्स के साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि मैंने यहाँ पर जो है वो फंक्शन कॉल नहीं लिखा है, इस तरह से ब्रैकेट ओपन और क्लोज नहीं किया था, इसलिए वो एरर दे रहा था, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो बिल्ट इन फंक्शन और मेथड ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल, ठीक है, तो उसको जो है वो बात समझ में नहीं आई। तो अब इसको हम चला देते हैं और अब हमें क्या है, वैल्यू मिल गई है और उसके साथ में हमको की वैल्यू पेयर मिल गया है। तो आइटम्स जो है वो पूरा का पूरा आइटम एक्सेस करके लाता है यहाँ पे और उसके बाद में हमको की वैल्यू मिल जाता है। तो की वैल्यू हम ऐसे भी एक्सेस कर सकते थे जैसे हमने किया था यहाँ पे, एक बार हमने एक्स यहाँ पे पास किया और फिर इसको हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया और इसके अंदर यहाँ पे एक्स पास कर दिया, तभी भी हमको की वैल्यू मिल रहा था और ऐसे भी हमको की वैल्यू मिल रहा है। अगर हमको की चाहिए है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको की मिलता है, और अगर वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ का फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं। अब देखते हैं कि डिक्शनरी में हम वैल्यू जो है वो अपडेट कैसे करते हैं, किसी पर्टिकुलर की के रिस्पेक्ट में हमको अगर वैल्यू अपडेट करनी है तो वो हम कैसे करते हैं, वो भी देखते हैं।
इसको कर देते हैं कमेंट। और अपडेट करने का सिंटैक्स जो है वो सिंपल सा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो आपको उस की वैल्यू एक्सेस करनी है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे की पास करना है ब्रैकेट में, और उस ब्रैकेट में और उसके अंदर आपको लगाना है जो आपका की है वो यहाँ पे दे देना है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे असाइनमेंट का साइन लगाना है इक्वल वाला, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे नई वैल्यू दे देनी है, ठीक है। और उसके बाद में जब आप डिक्शनरी प्रिंट करवाओगे तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा अपडेटेड वैल्यू। इसको मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ पूरा, और उसके बाद इसको रन करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे आपको अपडेटेड वैल्यू मिल गई है, ठीक है। और इसको और क्लियर कर लेते हैं, इसको चेंज करने से पहले प्रिंट करवा लेते हैं, फिर चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद प्रिंट करवाते हैं, तो आपको दोनों रिजल्ट जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगे। और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और फिर इसको रन करवा देता हूँ। तो पहले हमारी डिक्शनरी जो थी चेंज होने से पहले वो इस तरह से दिखती थी, और वहाँ पे आपका नेम जो था वो इस तरह से था, और चेंज होने के बाद में आपका नेम जो है वो इस तरह से आया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप जो है वो डिक्शनरी के पर्टिकुलर आइटम को जो है वो चेंज कर सकते हो। और अगर आपको सारी आइटम को चेंज करना है तो आप लूप चला के उसको अपडेट कर सकते हो, सारे आइटम अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, डिक्शनरी में वैल्यू को अपडेट करते हो या चेंज करते हो। अब अगर आपको डिक्शनरी की लेंथ जो है वो निकालनी है, तो लेंथ के लिए हमारे पास जो है वो एकदम से फेमस फंक्शन है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, और उसका नाम है लेन। और यहाँ पर जो है वो आप लेंथ ऐसे डाल दोगे और उसके बाद में आप रन करवाओगे तो आपको जो है वो लेंथ मिल जाएगी, जितना भी आपका की रहेगा यहाँ पे उसकी लेंथ जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपका यहाँ पे की रहता है एक और, और उसका वैल्यू जो है वो ब्लैंक रहता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका की जो है वो काउंट हो जाएगा और आपका चार जो है यहाँ पे लेंथ आ जाएगा डिक्शनरी का। तो इस तरह से हम डिक्शनरी की लेंथ जो है वो पता कर सकते हैं कि डिक्शनरी में कितने आइटम हैं। और अगर हमें ये चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर आइटम डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। और इसको चेक करने के लिए हमारे पास होता है इन कीवर्ड, जो कि हम बाकी के हमारे जो कलेक्शन टाइप थे उनमें भी यूज करता हुआ हम लोगों ने यूज करके देखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं उसको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि डिक्शनरी पर उसको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक आइटम का नाम रहेगा जो कि आपका रहेगा की, ठीक है, और फिर आपका रहेगा इन कीवर्ड और फिर आपका वेरिएबल नेम। तो अगर आप यहाँ पे लिखो emp_id, तो अगर emp_id आपका डिक्शनरी में होगा, ठीक है, अगर emp_id आपका डिक्शनरी में होगा तो आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आपको मिलेगा फॉल्स। तो ये यहाँ पे चला दिया और आपको मिल गया ट्रू। अगर ये की आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, कोई रैंडम सा की मैंने डाल दिया यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर की आपकी एग्जिस्ट करती कि नहीं करती है। तो अगर आप कोई डिक्शनरी जो है उससे वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो तो आप पहले ही मेक श्योर कर सकते हो कि वो की आपकी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो आप देख लो वहाँ पे, एग्जिस्ट करती है तो वैल्यू प्रिंट करवाओ, नहीं एग्जिस्ट करती है तो आप जो भी ऑपरेशन करना चाहते हो वो करवा सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, लॉग कर सकते हो कि की एग्जिस्ट नहीं है, तो जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो इस तरह से हम जो है वो चेक कर सकते हैं इन कीवर्ड का यूज़ करके कि पर्टिकुलर जो आपका की है वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और अब देख लेते हैं कि डिक्शनरी में हम आइटम ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है वो कमेंट कर देता हूँ। अब आइटम ऐड करने का केस जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपडेट कैसे करते हैं हम ये देख चुके थे, और अब देखते हैं कि हम इसको ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऐड करने का सिनेरियो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर आपको डिक्शनरी लिखना है आपका, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक की डिफाइन करना है, लेट से मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और ये कॉमा हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ़ोन, ठीक है। तो ये ऐड कब होगा, जब वो की आपका एग्जिस्ट नहीं करता होगा उस डिक्शनरी में, तब वो ऐड हो जाएगा, और अगर एग्जिस्ट करता रहेगा तो वैल्यू को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम फिर से देख लेंगे यहाँ पे। तो अभी क्या करेगा, अभी ये ऐड कर देगा, तो इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पर रन करवा के। नहीं, डिक्शनरी प्रिंट का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना हमें यहाँ पे, तो पहले डिक्शनरी प्रिंट करने का स्टेटमेंट यहाँ पे डाल देते हैं, प्रिंट और आपका ईएमपी डिक्शनरी। तो अपडेट होने के बाद डिक्शनरी आपकी प्रिंट हो जाएगी, अपडेट होने से पहले भी प्रिंट करवा देते हैं, तो हमारी दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि पहले कैसी थी और बाद में कैसी थी। और इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर भी कर देते हैं। अब ये देखो, पहले आपकी डिक्शनरी ऐड होने से पहले डिक्शनरी ऐसी दिख रही थी, और उसके बाद में आपकी जो है वो
ऐड होने के बाद इस तरह से दिख रही है। तो आपका ये आइटम यहाँ पे एक ऐड हो गया है, एक की वैल्यू पेयर ऐड हो गया है। अब लेट से यही चीज़ हम अगर यहाँ पे कर रहे होते एम्प्लॉय आईडी पे, तब क्या होता, तो ये क्या करता, ये उसको अपडेट कर देता, ऐड नहीं करता। तो एग्जिस्टिंग की में क्या करेगा, वो एग्जिस्टिंग की में उसको अपडेट कर देगा। तो एग्जिस्टिंग की में इसने क्या किया, यहाँ पर अपडेट कर दिया। ये देखो पहले आपका जो था वो इस तरह से दिख रहा था, ऐसे था, और उसके बाद में उसने क्या किया, उसको अपडेट कर दिया। तो ध्यान रखना है, अगर की एग्जिस्टिंग होगी तो ये सिंटैक्स जो है वो अपडेट के लिए यूज होगा, और अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो सेम सिंटैक्स जो है आपका वो ऐड करने के लिए, आइटम ऐड करने के लिए यूज होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से, अगर की एग्जिस्टिंग है तो ये सेम सिंटैक्स उसको अपडेट कर देगा, और अगर की एग्जिस्टिंग नहीं है तो सेम सिंटैक्स जो है उस की वैल्यू पेयर को यहाँ पर ऐड कर देगा, जो हम यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि वैल्यू या आइटम रिमूव कैसे करते हैं इसमें से, तो इसको भी जो है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो आइटम रिमूव करने के हमारे पास कई सारे मेथड हैं। इसको मैं पहले कर देता हूँ कमेंट, और कमेंट करने के बाद में फिर हम उनको समझेंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कमेंट हो गया ये सारा, और यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिमूव। तो रिमूव के लिए हमारे पास एक मेथड होता है पॉप मेथड। ठीक है, और पॉप मेथड में आपको जो है वो की एज अ पैरामीटर पास करनी पड़ती है। तो आप ईएमपी डिक्शनरी पे क्या करते हो, मेथड कॉल करते हो पॉप। ठीक है, और पॉप मेथड जो है वो आपका की लेता है एज अ पैरामीटर। ठीक है, और उसके बाद में क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट करवाते हैं डिक्शनरी को। देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, की एरर। ठीक है, यहाँ पे मैंने की जो है वो गलत लिख दिया है, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको रन करवाता हूँ, तो हमारा जो यहाँ पे एड्रेस का आइटम था वो यहाँ से हमारा पॉप हो गया है, डिलीट हो गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये पॉप मेथड हम यूज़ करते हैं तो हमें ये रिटर्न में कुछ देता है। ठीक है, तो रिटर्न में क्या देता है ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया पॉप आइटम, और जो भी आपका पॉप होके आएगा, जो भी चीज़, अभी हम उसको चेक करेंगे कि वो क्या हमको मिल रहा है, और फिर उसको डिस्कस भी करेंगे। और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं, और प्रिंट किसे करना है इस बार, हमें पॉप आइटम को प्रिंट करना है। तो स्क्रीन यहाँ पे क्लियर कर देते हैं पूरी, और उसके बाद में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारी डिक्शनरी एजिटी प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद पॉप होने के बाद डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी, और जो आइटम पॉप होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और फिर वो भी प्रिंट हो जाएगा, और जो प्रिंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर आपकी डिक्शनरी एजिटी प्रिंट हो गई, उसके बाद आपका आइटम पॉप हो गया, और पॉप होने के बाद में यहाँ पर वो आइटम था उसकी वैल्यू, की नहीं वैल्यू। तो यहाँ पर जो पॉप होता है आपका, यहाँ पर एड्रेस पॉप हुआ, तो आपका की जो है वो पॉप हो गया, डिलीट हो गया। और पॉप होते होते क्या हुआ कि उस की वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल में आपको पॉप मेथड ने स्टोर करवा दी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका पूरा आइटम जो है वो पॉप हो गया यहाँ से, लेकिन पॉप होते होते ये इसकी जो वैल्यू थी वो आपको यहाँ पर मिल गई, और उसको आपने प्रिंट करवा लिया। तो अगर आप पॉप करने के बाद उस पर्टिकुलर की वैल्यू कहीं यूज करना चाहते हो, तो आप इस तरह से उस वैल्यू को ग्रैब कर सकते हो, और उसको फिर आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई है। तो पॉप मेथड आपको आइटम रिमूव करने के साथ साथ उसकी वैल्यू जो है वो वापस दे जाता है, एज अ रिटर्न जो है वो दे जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पॉप मेथड जब आप कॉल करते हो तो एज अ रिटर्न आपको क्या मिलता है, आपको एज अ रिटर्न मिल जाती है उसकी वैल्यू। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मेथड और होता है हमारा, जिसका के नाम होता है पॉप आइटम। ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूँ उसको। इस मेथड का नाम होता है पॉप आइटम, और ये मेथड जो है आपका कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है, ये मेथड आपका कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है। तो इसको रन करवा के देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले हमारी जो डिक्शनरी थी वो प्रिंट हो गई है, और उसके बाद में हमारी पॉप होने के बाद में डिक्शनरी प्रिंट हो गई। और पहले हमने देखा था कि जब पॉप मेथड था वो उसने हमें सिर्फ वैल्यू दिया था,
पॉप आइटम जो मेथड है हमारा, वो हमें पूरा का पूरा आइटम जो है वो वापस कर रहा है, और उसके बाद में इस आइटम से हम जो है एक्सेस कर सकते हैं वैल्यू और की, ठीक है। तो पॉप आइटम आपको पूरा का पूरा आइटम वापस कर देता है, जबकि पॉप मेथड आपको सिर्फ वैल्यू जो है वो देता है। तो अगर आपको दोनों चीज़ें वापस चाहिए हैं तो आप पॉप आइटम मेथड का यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको सिर्फ वैल्यू वापस चाहिए तो आप पॉप मेथड का यूज़ कर सकते हो। बट पॉप में पॉप जो आपका पॉप मेथड था वो क्या करता है, उसको आपको यहाँ पर की देना पड़ता है, पर पॉप आइटम जो है वो की नहीं लेता है। बट पॉप आइटम के साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉप आइटम जो आपका है वो 3.7 जो पाइथन वर्जन 3.7 है उसके बाद जब उसके साथ या उसके बाद जब आप यूज करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि वो लास्ट से आइटम रिमूव करता है, लेकिन 3.7 या फिर उससे पहले के वर्जन में वो कोई भी रैंडम आइटम रिमूव करता है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप पाइथन 3.7 या उससे हायर वर्जन यूज कर रहे हो तो ये आपको लास्ट वाला आइटम ला के देगा, अगर आप 3.7 या 3.7 से लेसर वर्जन यूज कर रहे हो, लोअर वर्जन यूज कर रहे हो, तो ये आपको कोई भी रैंडम आइटम दे सकता है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और पॉप और पॉप आइटम के बाद हमारे पास एक मेथड होता है डेल, और डेल मेथड कैसे यूज करते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो डेल क्या करता है, डेल आपका जो है वो की लेता है एज अ इनपुट और उस की को डिलीट कर देता है, और डेल मेथड आपका जो है वो एंटायर डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पर डेल मेथड जो है वो कॉल करवा लेते हैं। तो डेल मेथड जो है वो इस तरह से आता है कि आप यहाँ पे टाइप करते हो डेल, ठीक है, और उसके बाद में डिक्शनरी, और ये यहाँ पर इंडेक्स लेता है, इंडेक्स बोले तो आपकी की जो आपकी यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ, अदरवाइज फिर से की एरर आ जाएगा, क्योंकि अगर ज़रा सा मिस्टेक हुआ तो वो की एरर दे देगा। अब क्या करेगा, ये क्या करता है, ये आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं देता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल टाइप भी करोगे तो आपको एरर आएगा। तो इसको मैं अगर यहाँ पे पहले चला लेते हैं फिर वैसे चला लेंगे, पहले इसको ऐसे देख लेते हैं फिर इसका वेरिएबल बना के भी देख लेंगे, और इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। और इसको यहाँ से चला के देखो तो आपका आइटम जो है वो यहाँ से डिलीट हो गया है, और ये रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं देता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेल अंडरस्कोर आइटम, ये मैंने वेरिएबल बना दिया, इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ अगर डेल अंडरस्कोर, चलो कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद में मैं इसको रन करवाता हूँ तो आपको यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि ये रिटर्न में कुछ भी नहीं देता है, ठीक है। यहीं पे एरर आ गया, आपको इसी लाइन पर एरर मिल गया कि ये आपका रिटर्न में कुछ भी नहीं देता है। तो ये सिंटैक्स यहाँ पे नहीं काम करता, ये सिर्फ आपका पॉप और पॉप आइटम पे काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉप जो है वो आपको वैल्यू रिटर्न करता है, और पॉप आइटम जो है वो आपको पूरा का पूरा आइटम रिटर्न कर देता है, और डेल आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। अब इस तरह से अगर आप सिंटैक्स रखते हो, इस तरह का सिंटैक्स, तो पर्टिकुलर की और उसकी वैल्यू यानी कि पर्टिकुलर आइटम रिमूव होता है उस नेम के साथ। अगर एड्रेस के साथ आपकी कोई की है तो वो पूरा का पूरा आइटम रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये यहाँ से हटा देते हो ऐसे, तो आपकी पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ आप अभी यहाँ पे देख लेना। अब कह रहा है कि EMP dict इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने इसको यहीं पे डिलीट कर दिया, तो अब यहाँ पे इसको वो मिल रहा है अनडिफाइंड, तो ये आपका पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट कर देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद अगर आपको डिक्शनरी डिलीट नहीं करनी है, आप चाहते हो कि डिक्शनरी के सारे आइटम जो हैं वो क्लियर हो जाएं, डिक्शनरी आपकी एम्प्टी हो जाए जैसे कि एकदम अभी अभी डिफाइन की गई हो, तो आप यहाँ पे क्लियर मेथड का यूज़ कर सकते हो, और आपकी डिक्शनरी जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगी, बिल्कुल जैसे कि आपने अभी ब्रांड न्यू डिक्शनरी बनाई और कोई भी आइटम इसमें ऐड नहीं किया। तो ये आपकी एकदम से एम्प्टी हो गई क्लियर मेथड कॉल करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से आप डिक्शनरी को क्लियर कर सकते हो। अब अगर डिक्शनरी को आपको कॉपी करना है तो कॉपी कैसे कर सकते हो, तो डिक्शनरी को कॉपी करने के कई सारे तरीके हैं, उनको देख लेते हैं कि करके हम। पहला तो जो है आप यहाँ पे सीधा उसको असाइन कर सकते हो EMP न्यू, ठीक है, आपने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो पहला तरीका हमारा ये हो गया। उसके बाद में दूसरा तरीका आपका है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ न्यू, इसको बोलता हूँ वन, इसको बोलता हूँ टू, और आप यहाँ पे डॉट कॉपी मेथड जो है वो कॉल करवा सकते हो कॉपी करने के लिए। और तीसरा तरीका आपका कॉपी करने का है, इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, और इसको मैं बोल देता हूँ थ्री, और यहाँ पर जो है वो आप कंस्ट्रक्टर मैसेज कॉल करवा सकते हो डिक्शनरी का, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सीधा
असाइन कर देता है यहाँ पर वैल्यू, ये उसको कॉपी कर देता है इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, और ये आपका जो कंस्ट्रक्टर मेथड है इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में असाइन कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे 1, 2, 3 प्रिंट करवाएं तो हमको जो है वो रिजल्ट यहाँ पे हमारे दिख जाएंगे कि कैसे कन्वर्ट, कैसे कॉपी करते हैं हम एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में। और ये यहाँ पर हमारी डिक्शनरी 1, 2, 3 जो है वो प्रिंट हो गई है एग्जैक्टली सेम, क्योंकि ये जो कॉपी हो गई और कॉपी हमने किया है 3 तरीकों से, यहाँ पे हमने कॉपी करके देखा है। तो ये तीनों मेथड जो है आप कॉपी करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर और क्या बचा है हमारी लिस्ट में। ठीक है, अब एक चीज़ हमारी रह जाती है यहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी जो आपकी है उसको बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। उनको कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उनको यूज करते हैं ये देख लेते हैं, और इसके बाद हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं जो है कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट लगा देता हूँ मैं। और इसको जो है वो कट करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं क्योंकि हम नेस्टेड डिक्शनरी जो है वो समझने वाले हैं, तो थोड़ा सा स्पेस हमें रिक्वायर्ड पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो हमारा EMP डिक्शनरी पहले से बना हुआ था ये वाला। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले कुछ डिक्शनरी डिफाइन कर लेते हैं, जैसे आपका हो जाएगा EMP 1, एक डिक्शनरी हो गया हमारा। ऐसे ही हम जो है वो दो और क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, फिर आप कितनी भी नेस्टिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका यहाँ पे हो गया EMP 2 और ये आपका हो गया EMP 3। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर EMP_ID और यहाँ पर दे देना है आपको ID, और यहाँ पर आपको दे देना है एड्रेस। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसी को जो है वो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फिर इनको चेंज कर देंगे डिक्शनरी के हिसाब से। यहाँ पर आ गए हैं, अब इसको जो है अपडेट कर देते हैं। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, बन टू और थ्री। ठीक है, अब ये आपकी जो है वो डिक्शनरी हैं। अब इनको नेस्टेड कैसे करना है वो यहाँ पे इनको जो है वो नेस्टेड कर देते हैं, एक और डिक्शनरी बनाते हैं, और ऐसी डिक्शनरी जो डिक्शनरी को जो है वो कंटेन करेगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बनेगा एक की जिसका कि हम नाम रखेंगे और उसको जो है वो वैल्यू दे देंगे सेम। ठीक है, तो आपका पहले हो जाएगा बन और इसको कर लेते हैं कॉपी और इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले आपका हो जाएगा बन, ये आपका की हो जाएगा, ये भी आपका की हो जाएगा, और ये आपका जो है वो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। और ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा जो डिक्शनरी हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन की है। तो ये आपकी जो है वो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज है। ठीक है, ये आपका डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज है, यानी कि ये नेस्टेड डिक्शनरी है। अब क्या करना है, अगर आपको इसमें से वैल्यू
प्रिंट करवाना है, एक्सेस करना है इसको, तो आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे इसको मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ और फिर यहाँ पर एक मैं प्रिंट कमांड लिखता हूँ। यहाँ पर मैं एक प्रिंट कमांड लिखता हूँ और उस प्रिंट कमांड में मैं पास करता हूँ ईएमपी डिक्शनरी, ठीक है, जो कि हमारी डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज है, उसको मैं यहाँ पे पास करता हूँ और इसको फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ और फिर हम देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट जो है यहाँ पे मिलता है। तो ये देखो, ये आपकी ये चीज़ यहाँ पे नहीं प्रिंट हो रही है, यहाँ पे पूरी देखो आप, पहले आपका ईएमपी प्रिंट हुआ बन और फिर उसका पूरा का पूरा सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद टू प्रिंट हुआ और फिर पूरा सब कुछ प्रिंट हो गया, फिर थ्री प्रिंट हुआ, पूरा सब कुछ प्रिंट हो गया। यानी ये सिर्फ ये की वैल्यू नहीं प्रिंट हो रहा है, ये आपका एज अ डिक्शनरी, मैंने क्या किया कि इस की को पूरा डिक्शनरी साइन कर दिया, इस की को पूरा डिक्शनरी साइन कर दिया और इस की को पूरा डिक्शनरी साइन कर दिया और वैसे ही यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको आप ऐसे देखो कि मैं यहाँ पे एक ये जो की है ये पास कर देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट जो है भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, और इसको मैं कर देता हूँ क्लियर स्क्रीन और फिर देखो आप यहाँ पे, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको ये पूरी जो ऊपर हमने डिक्शनरी डिफाइन की हुई है डिक्शनरी बन, ये पूरी की पूरी डिक्शनरी आपकी यहाँ पे प्रिंट हो गई है। और हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे प्रिंट में सिर्फ जो है वो एक की पास की हुई है और वो की जो है वो पूरी डिक्शनरी को होल्ड करती है। तो ये जो आपकी है वो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज है, यानी कि ये नेस्टेड डिक्शनरी है। अब अगर आपको एम्प्लॉय बन के अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू, लेट से आपको आईडी उठाना है, तो अभी हमने एक इंडेक्स लगाया है, अब आप एक और इंडेक्स लगा दोगे तो पहली इंडेक्स जो आपकी है वो इस पर लगेगी, आपकी ये जो पेरेंट है उस पर लगेगी, और दूसरी डिक्शनरी, दूसरी जो आपकी इंडेक्स है वो चाइल्ड पे लगेगी, यानी किस पे लगेगी, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे ई एम पी आई डी पास कर दो तो आपको जो है वो क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए बन, और आपको मिला बन। तो इस तरह से आप नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करके उनकी वैल्यू जो है वो एक्सेस कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं और डिक्शनरी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने बेसिक टू एडवांस देख ली हैं। अब ये है कि 100% चीज़ें कभी भी कवर नहीं होती हैं, आप जब भी इसको यूज करोगे प्रोग्रामिंग में तो कुछ ना कुछ आपको नए सिनेरियो मिलते रहेंगे, तो आप उनको जो है वो समझ पाओगे आराम से, इतना नॉलेज आपको इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा कि आप उनको आराम से समझ पाओगे, उनको हैंडल कर पाओगे। और उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, कोई आपका डाउट रह जाता है, तो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो और मैं आपको उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस तरह से ये वीडियो हमारा यहीं पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।